Hi, the Grey Fuels, your host, again in Malaysia, live with YJ Kamiana, and inshallah, यहीं कुरवान बाकमाल लोग की रिकॉर्डिंग होगी अच्छे आपको स्पोर्ट्स दिखाए जाएंगे गेंटिंग हाईलैंड जाएंगे और ट्विन टावर्स जाएंगे पेट्रोनास ट्विन टावर जाएंगे खूबसूरत जगहें आपको दिखाएंगे और आप फिर डिप्रेशन से दूर रहेंगे इज अ ब्यूटीफुल फास्ट फास्ट ट्रेन फ्रॉम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू सिटी प्लेटफॉर्म ए And just train is coming over here. So you enjoy with your host and the host of Plum live with YJ Kamiana. Thank you. It is a beautiful train. It's called Malayam is called commuter kehte hain fast train hai airport se Kuala Lumpur International Airport pe hum land kar chuke hain immigration mein thodi si der hui rush tha flights ka rush tha कस्टम वालों ने बड़ी इज्जत से पूछा भी नहीं विश किया बाहर आ गए और व्हाट इज सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी कन्वीनियंट सिस्टम टू बोर्ड दिस फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म एक मौजूद है ये रवाना हो रही है अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो इस पर कंसेशन है 10 रिंगिट का तो हमने सोचा कि उनका फ़ायदा उठाया जाए तो लो जी ट्रेन इज गिविंग ऑफ And we are heading towards Kuala Lumpur, beautiful city of Malaysia, and we are very great fan of His Excellency Mahathir Mohamad. His Excellency has won the election after 15 years, and Excellency Mahathir Mohamad ki government aa chuki hai, aur prosperity ke nishanat waze nazar aa rahe hain. कमाल आदमी है कमाल शख्स है 22 साल इस मुल्क पे हुकूमत की और खूब बनाया इस मुल्क को खुदा करे हमारे हुक्मरानों को भी ख्याल आए और हम इसकी इसको फॉलो करें इन जैसे हुक्मरानों को हम सिर्फ नेल्सन मंडेला को लेते हैं किसने देखा 26 साल इस शख्स ने प्रैक्टिकली साबित कर दिया आइए हम आपको खूबसूरत मलाशा का कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर का नज़ारा कराते हैं इस फास्ट ट्रेन के ज़रिए आइए देखिए कैसे कौमें तरक्की करती हैं लोग फिर क्यों दोबारा मुंतखब करते हैं द ग्रेट व्यूअर्स वेलकम टू प्रोग्राम लाइव विद YJ Kamiana लाइव फ्रॉम कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू Kuala Lumpur city, the beautiful city of Malaysia and the symbolic prosper city, the hub of tourists, very, very easy to get e-visa online, no janjat, no buck of agents, just learn and get Malaysian visa within 24 hours, no headache, no worry. एंड एंजॉय और आज इस दफ़ा हमने भी चौथी बार यहाँ आए हैं आपको पहले भी मलाशा दिखाया मलाशा में पोहम करेंगे इंशाल्लाह बाकमाल लोग करेंगे हम यहाँ स्पोर्ट्स के जो टॉप हैं कबड्डी के इंटरनेशनल कबड्डी के डिप्टी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनके इंट्रोड्यूस करेंगे और कोशिश होगी वी विल ट्राई कि अगर हमें मौका मिला तो द ग्रेट पर्सनैलिटी द ग्रेट पर्सन द हिस्टोरिकल प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी महातीर मोहम्मद साहब का इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे अगर उनकी इससे इजाज़त दी और हमें उन्होंने मौका फ्राहम किया तो हम आपको ज़रूर एंजॉय करवाएंगे ये देखिए खूबसूरत ट्रेन हम इस वक्त रवाना है मलेशिया कुआलालंपुर सिटी की जानब ये सारे पाम ट्रीज हैं पाम ऑर्चिड्स हैं इतना मजा आ रहा है आर यू एंजॉयिंग खूबसूरत ट्रेन फास्ट ट्रेन वेरी शॉर्टली हम इंशाल्लाह अजीज इनके केएल सेंट्रल कुआलालंपुर सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पहुँचेंगे वहाँ से साथ ही मेरा होटल है
कैब ली जाएगी और होटल में फिर मेरी मुलाकातें शुरू हो जाएगी और अगले इंटरव्यू प्रोग्राम जो आपको हमने सीन दिखाने हैं, जो आपको खूबसूरत प्रोग्राम दिखाने हैं, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, थोड़ी रेस्ट की जाएगी, शावर लिया जाएगा और फिर हम आपके साथ लाइव फ्रॉम मलेशिया होंगे। होपफुली कल हम खूबसूरत जो इनका टूरिस्ट पॉइंट है वो है गेंटिंग हाईलैंड। होपफुली वी विल बी देयर और हम आपको वहाँ से कोशिश करेंगे कि लाइव प्रोग्राम करें और आप देखते रहिए लाइव विद वाईजे कमाना एंड फ्रॉम बाकमाल लोग फ्रॉम डीटीवी। कीप वॉचिंग दोस टेलीविजन एंड योर होस्ट इज यकूब जावेद कमाना लाइव फ्रॉम कुआलालंपुर एंड राइडिंग ब्यूटीफुल फास्ट ट्रेन कम्यूटर आई एम सॉरी इट्स अ वर्ड इज कम्यूटर फास्ट ट्रेन। हम आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुआलालंपुर सिटी की जानब। बहुत थोड़ी ही देर के बाद हम कुआलालंपुर सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और सफ़र, लंबा सफ़र अपने खूबसूरत पाकिस्तान से स्टार्ट किया और पहला दिन यहाँ लैंड कर गए। कुआलालंपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। शॉर्ट ब्रेक, keep watching those television and you are enjoying with live with YJ Kamiana from Kuala Lumpur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the great viewers. Tawil waqfa, long break, not short break. Kya ho gaya? Live with YJ ke baad aap Kuala Lumpur se braheras program dekh rahe the. Dopahar ka time tha. हमने सोचा कि आपको रात कुआलालंपुर की नाइट की थोड़ी सी झलकियां दिखाएंगे। ये है जनाब टॉल हाईएस्ट टर्बन वीरिंग ऑफ कुआलालंपुर टावर, ब्यूटीफुल टावर ट्विंकलिंग ब्लिंकिंग विद कलरफुल लाइट्स। ये शहर की इमारत है मेरे कमरे से मार्स होटल के रूम 23rd फ्लोर से ये इमारत रात को रोशनियाँ जगमग कर रही हैं। ये आप कुआलालंपुर टावर हसीन इमारतें। तल्कीन शाह मरहूम ने कहा था उच्चे बुर्ज लाहौर दे और ये तो उच्चे बुर्ज कुआलालंपुर के भी हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत केएल टावर हसीन इमारतें। रात का समा इज अ ब्यूटीफुल व्यू नाइट व्यू ऑफ कुआलालंपुर सेंट्रल सिटी। ये देखिए इस वक्त रोशनियां जगमग कर रही हैं। और हम इंशाल्लाह कल आपको ट्विन टावर्स दोबारा दिखाएंगे, हम पहले भी दिखा चुके हैं और कल इंशाल्लाह हम आपको बहुत सी यूनिक प्लेसेस ऑफ मलेशिया दिखाएंगे। ये मार्स होटल का मेरा कमरा रूम 8 ऑन 23rd फ्लोर। और इमारत की बुलंदी बड़े मासूमाना अंदाज में हमारे दोस्त जो मिस्टर थिना करण सेक्रेटरी हैं कबड्डी एसोसिएशन मलेशिया के सेक्रेटरी और दुनिया के बड़े मारूफ वो फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने बताया कि 30-35 स्टोरी इमारत तो मामूली बात है। ये जनाब ये रंग बदलता हुआ ये खूबसूरत केएल टावर बता रहा है अपनी ग्लैमरस, ये बता रहा है कुआलालंपुर का सर ऊंचा मुस्लिम कंट्री। आज एक बात और हमें बड़ी दिलचस्प हमारे नोटिस में लाई गई कि हिज एक्सीलेंसी
मिस्टर सिरी वो प्रेसिडेंट हैं यहाँ की सेनेट के, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो चेयरमैन सेनेट होता है लेकिन ये वो प्रेसिडेंट हैं मलेशियन सेनेट के, वो नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट ऑफ ए मुस्लिम कंट्री, द ग्रेट प्रॉस्पर्स डेवलप्ड मलेशिया, और मलेशिया के जो सेनेट के प्रेसिडेंट हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। हमने आज उनको बताया, जो हमारे दोस्त आए हुए थे मिस्टर थिनाकरन, जो इज ऑल्सो नॉट मुस्लिम, लेकिन हमने उनको वाजे कर दिया कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं। हमने उनसे पूछा कि जरा खुल के बताइए कि हमारी वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर को किसने मारा, हमारे वजीर आजम लियाकत अली खान को किसने शहीद किया, मैनी अदर्स, हमारे बच्चे जो हैं एपीएस स्कूल के जो बच्चे मासूम, उनको किन्होंने मारा, बताइए टेररिस्ट कौन हुआ। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर हमने उनसे पूछा, चलिए हमारा छोड़िए, अपना बताइए, आपकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को किसने मारा और बता दीजिए। मैनी अदर्स, आपके सारे जो कुछ होता है आप हमारे खाते में डाल देते हो, हमारे ऊपर जो जुल्म है। फिर वो इस बात के कायल हो गए। हमने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो कोई 5 से 7 जो हैं वो मर्डर हुए, और मैंने लेकिन हमने कोई डिप्रेशन वाला टॉपिक नहीं छेड़ा था, वो स्पोर्ट्स मैन हैं, लिहाजा हमने सोचा बात ऐसी ना की जाए जिससे किसी की दिल शिकनी हुई। लेकिन उन्होंने इस बात को एग्री किया, मिस्टर थिनाकरन ने, जब मैंने उन्हें कहा कि भरी बस में आपके यहाँ हिंदुस्तान में फुल बस हैविंग अबाउट 100 पैसेंजर्स डे लाइट, और एक डॉक्टर जो थी मेडिकल की स्टूडेंट थी उसको सरेआम भरे बाजार में भरी बस में जिस बेदर्दी के साथ गुंडों ने उसके साथ बदसलूकी की, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, और फिर जिस बेदर्दी से उसको सड़क पर फेंका, और जिस जालमाना अंदाज में उसको आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी अदलिया ने जो इंसाफ दिया, वो इंसाफ के मुंह पे तमाचा था, इस बात पे वो नादिम थे। और उन्होंने कहा कि जनाब आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने कहा हम दुरुस्त ही कहते हैं, हमारे यहाँ दुरुस्त कहने वाले लोग हैं, हमारा मीडिया दुरुस्त बात करता है, जो बात दुरुस्त नहीं करते उनकी दुरुस्ती हो जाती है। तो ग्रेट व्यूअर्स, ये केएल टावर रात का व्यू, कुआलालंपुर मलेशिया का जो दिल है उससे आप कहाँ हैं, लाइव विद वाईजे कमयाना, साथ रहिए। अब होगी मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अजीज कल किसी और खूबसूरत प्रोग्राम में, देखते रहिए लाइव विद वाईजे कमयाना एंड बाकमालो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, द ग्रेट व्यूअर्स, तवील वक्फा, लॉन्ग ब्रेक नॉट शॉर्ट ब्रेक, क्या हो गया, लाइव विद वाईजे कमयाना के साथ आप कुआलालंपुर से बराह रास्त प्रोग्राम देख रहे थे, दोपहर का टाइम था, हमने सोचा कि आपको रात कुआलालंपुर की नाइट की थोड़ी सी झलकियां दिखाएंगे। ये है जनाब टॉल हाईएस्ट टर्बन वीरिंग ऑफ कुआलालंपुर टावर, ब्यूटीफुल टावर ट्विंकलिंग ब्लिंकिंग विद कलरफुल लाइट्स। इस शहर की इमारत है मेरे कमरे से मार्स होटल के रूम 23rd फ्लोर से ये इमारत रात को रोशनियाँ जगमग कर रही हैं। ये आप कुआलालंपुर टावर, हसीन इमारतें। तल्कीन शाह मरहूम ने कहा था उच्चे बुर्ज लाहौर दे, और ये तो उच्चे बुर्ज कुआलालंपुर के भी हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत केएल टावर, हसीन इमारतें, रात का समा, द ब्यूटीफुल
व्यू, नाइट व्यू ऑफ कुआलालंपुर सेंट्रल सिटी। ये देखिए इस वक्त रोशनियां जगमग कर रही हैं। और हम इंशाल्लाह कल आपको ट्विन टावर्स दोबारा दिखाएंगे, हम पहले भी दिखा चुके हैं, और कल इंशाल्लाह हम आपको बहुत सी यूनिक प्लेसेस ऑफ मलेशिया दिखाएंगे। ये मार्स होटल का मेरा कमरा, रूम 8 ऑन 23rd फ्लोर। और इमारत की बुलंदी बड़े मासूमाना अंदाज में हमारे दोस्त जो मिस्टर थिनाकरन सेक्रेटरी हैं, कबड्डी एसोसिएशन मलेशिया के सेक्रेटरी और दुनिया के बड़े मारूफ वो फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने बताया कि 30-35 स्टोरी इमारत तो मामूली बात है। ये जनाब, ये रंग बदलता हुआ ये खूबसूरत केएल टावर, ये बता रहा है अपनी ग्लैमरस, ये बता रहा है कुआलालंपुर का सर ऊंचा, मुस्लिम कंट्री। आज एक बात और हमें बड़ी दिलचस्प हमारे नोटिस में लाई गई कि हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सिरी, वो प्रेसिडेंट हैं यहाँ की सेनेट के। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो चेयरमैन सेनेट होता है, लेकिन ये वो प्रेसिडेंट हैं मलेशियन सेनेट के। वो नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट ऑफ ए मुस्लिम कंट्री, द ग्रेट प्रॉस्पर्स डेवलप्ड मलेशिया। और मलेशिया के जो सेनेट के प्रेसिडेंट हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। हमने आज उनको बताया, जो हमारे दोस्त आए हुए थे मिस्टर थिनाकरन, जो इज ऑल्सो नॉट मुस्लिम, लेकिन हमने उनको वाजे कर दिया कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं। हमने उनसे पूछा कि जरा खुल के बताइए कि हमारी वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर को किसने मारा, हमारे वजीर आजम लियाकत अली खान को किसने शहीद किया, मैनी अदर्स, हमारे बच्चे जो हैं APS स्कूल के जो बच्चे मासूम, उनको किन्होंने मारा, बताइए टेररिस्ट कौन हुआ। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर हमने उनसे पूछा, चलिए हमारा छोड़िए, अपना बताइए, आपकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को किसने मारा और बता दीजिए, मैनी अदर्स, आपके सारे जो कुछ होता है आप हमारे खाते में डाल देते हो, हमारे ऊपर जो जुल्म। फिर वो इस बात के कायल हो गए। हमने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो कोई 5 से 7 जो हैं वो मर्डर हुए, और मैंने लेकिन हमने कोई डिप्रेशन वाला टॉपिक नहीं छेड़ा था इनसे। और उन्होंने कहा कि जनाब आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने कहा हम दुरुस्त ही कहते हैं, हमारे यहाँ दुरुस्त कहने वाले लोग हैं, हमारा मीडिया दुरुस्त बात करता है, जो बात दुरुस्त नहीं करते उनकी दुरुस्ती हो जाती है। तो ग्रेट व्यूअर्स, ये केएल टावर रात का व्यू, कुआलालंपुर मलेशिया का जो दिल है उससे आप कहाँ हैं, लाइव विद YJ कमयाना, साथ रहिए। अब होगी मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अजीज कल किसी और खूबसूरत प्रोग्राम में। देखते रहिए लाइव विद YJ कमयाना एंड बाकमाल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट पाकिस्तान। और रात आपको हमने अपने होटल से कुआलालंपुर का जगमगाता हुआ केएल टावर दिखाया। आइए हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत रिजॉर्ट, खूबसूरत हाईलैंड, दैट इज़ कॉल्ड गेंटिंग हाईलैंड। तो आइए चलते हैं गेंटिंग हाईलैंड में, क्या रौनक लगी होगी, क्या दुनिया टूरिस्ट दुनिया जहान के वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आ चुके होंगे। इस वक्त हमारी
جو میزبانی کا ہمیں میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ مسٹر دینا کرن ہیں, لوکل ہیں, اور وہ سیکٹی کبڈی ایسوسیشن ملائیشیا ہیں, اور وہ خود بھی بہت بڑے انٹرنیشنل فیم کے فوٹوگرافر ہیں, آرمی آفیسرز ہیں. ملائیشیا جو ہے وہ پام آئل کا پائنر ہے, ان کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. اس کے بارے میں ہم ان کے کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے, لیکن یہ ہم نے ضرور پتہ کیا ہے, معلوم کیا ہے کہ پام آئل ان کی جو بہت بڑا ان کا جو ریونیو ارننگ سورس ہے وہ دیٹ از فرام پام آئل. آپ دیکھیے کنٹری سائڈ کیا خوبصورت ہے, کتنی ڈیولپ ہے, آپ کی آنکھیں جو ہے ویسے ہی ترو تازہ ہو جاتی ہے, آپ کی صحت ٹھیک. اور ملائیشیا کی دوستی زبردست ہے, پاکستان کے حکمران بھی ملائیشیا کو بہت پسند کرتے ہیں, پاکستان کے بزنس مین ملائیشیا کو بڑا پسند کرتے ہیں, آنا پسند کرتے ہیں, اور ہمارے دوست بہت پسند کرتے ہیں ہمارا یہاں سے لائیو پروگرام. Our programs are much liked, and I am really grateful to one of my friend Mia Abu Bakar Watu sahab. Unhone call karke izhar e mohabbat kiya aur bahut khushi ka izhar kiya. Is tarah beshumar doston se rabta hua, Malaysia ko pasand karte hain, aur hamara aana Malaysia ko, Malaysia mein aana hamara unhe bahut acha lagta hai, isliye ki unke to ہم مفت میں بغیر کسی ٹکٹ کے ان کو مزیدار پروگرام دکھا دیتے ہیں. لیجیے جناب ایک شارٹ بریک, اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں کوالالمپور ٹو کینٹنگ ہائی لینڈ روڈ ٹو کوالالمپور ٹو کوالالمپور سٹی ٹو کینٹنگ ہائی لینڈ, اور شارٹ بریک ملتے ہیں. ہم تو بس میں ہی رہیں گے, آپ ذرا چائے وائے پیجیے, انجوائے کیجیے, اور ملائیشیا کے خوبصورت حسین نظاروں کو ذرا اپنے دل و دماغ اور آنکھوں کے سامنے رکھیے. یہ دیکھیے کیا خوبصورت سین. اسٹے ٹیون, اور ہم ابھی لوٹیں. Assalamu alaikum. Walaikum salam. What is your name, sir? My name is Muhammad Mohaimin bin Abdullah. Mashallah, mashallah. Since how long you are driving this bus? Almost 22 years. 22 years? Yes, getting LM. From Kuala Lumpur to? Yeah. Again? Oh, wonderful. How many kids you have? I have two kids. Two kids? Yeah. Mashallah. Driving for the last 22 years? Yeah. Same Genting Island are developed? Sometimes you are traveling going to, from Genting to JP to Hobaru. No. It is same which was 22 years back are no, development. No, same company. Different company. Development. Yeah. Better? Better. Now it's better. In the past 22 years, it was not so good. Yes, the road is not so good. Road was not good. So bad. And when lift chair was installed, about 10 years back, lift chair, Cable car now is new. It's like a robotic system. It's a digital robotic system. So last time they were using a cable, yeah, normal cable. It's a very shaking. I enjoyed that 10 years back. Yeah, it's 10 years back. You enjoyed it, yeah? Yeah. So now it's 20 years. Now it's latest one, they were doing like a cable car. It's a robotic system. It's very smooth. Very smooth. You love Pakistan? I'm Islam. Mashallah. So, I'm a Pakistan. Say, I really love Pakistan and India also. Say Pakistan Zindabad. Yes. Pakistan Zindabad. Here we have just got off the bus. Entered into Genting Island Resort. It's a beautiful place. Let's enjoy this.
Khanna Saab. Colonel Thinakaran is with us. Colonel Saab, how do you feel to be here after a long time by bus? Oh yes, it brings back memories. No, it's a long time since. You are enjoying? Yeah, of course. A lot of things are new. So you have gone back to your young age. Yeah, we used to cycle. Yeah, you can cycle up this way as part of training for the national camp and all that. Great news. Good luck to us. Colonel Saab is Colonel Thinakaran. Is also a renowned cyclist, world-famed cyclist. Colonel Saab, where you have been riding bikes in which countries, please? Okay, I'm basically an international cyclist somewhere around 72. I was riding for the state of Kedah, Penang Armed Forces and later Malaysia. And then in the 80s, I've also, was in Germany, Europe, where I've ridden there as well. And basically, eventually it was more of photographing the races like Tour de France and that's good. Italy. Thank you. Colonel Saab, thank you very much. We will re-bother you for our program, Great People. The great viewers, remain with us. We are in Ganting Hill station and going to buy the tickets to enjoy the ride of this cable car and much more fun, and remain with us. Keep watching the